हेलो फोक्स, यू आर वाचिंग स्पोर्ट्स टाइगर, दिस इज अनुज खेई। क्रिकेट में हमने बहुत कॉन्ट्रोवर्सीज देखी, आपस में क्रिकेटर जो है लड़ते झगड़ते हमने देखे, लेकिन जो शाकिब अल हसन ने किया था वैसा हमने पहली दफ़ा देखा। अब शाकिब अल हसन पे कार्रवाई की गई है, एक्शन लिया गया है, 4 मैचेस का बैन उन्हें जो है ढाका प्रीमियर लीग में लगाया गया है। आपको पहले घटना के बारे में भी बता देते हैं कि किस तरीके से जो है पूरा का पूरा एक मैटर जो मुद्दा निकल के आ रहा था शाकिब अल हसन पे। दरअसल उन्होंने जिस तरीके से स्टंप्स उखाड़ के फेंके थे पिच पे, लात जो है स्टंप्स को मारी थी, एक बार नहीं दो दो बार ये पूरा सिलसिला हुआ है, और अब जो है उस पर एक्शन ले लिया गया है। शाकिब अल हसन जो है उनको 4 मैचेस के लिए बैन कर दिया गया है। इससे पहले शाकिब अल हसन ने अपनी एक स्टेटमेंट भी रखी थी, जहाँ पे उन्होंने एक माफ़ीनामा के तौर पे आप उसे कह सकते हैं अपॉलोजी थी, जहाँ पे वो माफ़ी मांग रहे थे सभी समर्थकों से, और एक एक्सपीरियंस कैंपेनर होने के नाते उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी, बहुत बड़ी गलती थी। उनको जो जिस तरीके से उन्होंने एंगर दिखाया उनको नहीं दिखाना चाहिए था। तमाम जो क्रिकेट फैंस हैं, जो शायकीन हैं, उनके लिए बहुत बड़ा एक ये सेटबैक है, क्योंकि इतने बड़े खिलाड़ी का जो इतना अच्छा खासा स्टेचर है और उसके बाद इस तरीके का जब दुर्व्यवहार आप करते हैं, आप अंपायर से भिड़ते हैं, आप जो है उनके डिसीजन के रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, और इस तरीके से जब आप चीज़ें करते हैं तो कहीं ना कहीं एक डिसग्रेस है क्रिकेट के लिए, गेम के लिए, क्योंकि जेंटलमैन्स गेम की जब हम बात करते हैं तो आपको एक एग्जांपल सेट करना होता है। लेकिन जो शाकिब अल हसन ने किया, ये बैन तो चलिए उन्हें कर दिया गया है, लेकिन क्या ये कोई और लीग होती, अगर ये ढाका प्रीमियर लीग नहीं होती, मान लीजिए PSL होती या IPL होती, तो क्या शाकिब अल हसन ये चीज़ करते? ये शायद सोचने वाली बात है, क्योंकि जो लेवल होता है क्रिकेट का वो काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि कितने लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, कितना उसमें बिजनेस इन्वॉल्व है, एंटरटेनमेंट कितना है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो क्या शाकिब अल हसन इस के हिसाब से क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने अंपायर के साथ व्यवहार किया, जिस तरीके से उन्होंने एक टीम के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया, क्या ऐसा एग्जाम्पल आप देखना चाहते हैं? बांग्लादेश का यूथ क्या ये देखना चाहता है? क्या वर्ल्ड क्रिकेट के जो फैंस हैं, जो समर्थक हैं, बर्डिंग क्रिकेटर्स हैं, वो ये देखना चाहते हैं? शायद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को और भी इस पर कठिन एक्शन लेना चाहिए। ये मैचेस जो बैन हुए हैं, इसके अलावा और ऐसे स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स बनाने चाहिए, ताकि क्रिकेटर जो है ऐसी कोई चीज़ करने से पहले 1000 बार सोचे, क्योंकि अंपायर के साथ जो उन्होंने किया, अगर कोई और बड़ी लीग होती तो शायद शाकिब अल हसन आपको लाइफ टाइम बैन उन पर लग जाता, इस तरीके से अगर वो व्यवहार करते। तो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके ऊपर और एक्शन मेरे हिसाब से लेना चाहिए, ताकि आगे से जो क्रिकेटर्स हैं वो ऐसा कोई कदम ना लें। तो देखते हैं इस पे आगे क्या और डेवलपमेंट आता है, बट फिलहाल 4 मैचेस का बैन जो है शाकिब अल हसन पे जो है बिल्कुल हुआ है, और देखते हैं इसके आगे जो भी डेवलपमेंट्स आएंगे आपके साथ बिल्कुल साझा करेंगे। आप जो है बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्पोर्ट्स टाइगर।